वेलकम टू मई अनदर न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदिल्ला खैर से हूँ आज मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ और आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में चिकन मेकरोनी विद पास्ता और उसके साथ मैं एक सब्ज़ी भी बना रही हूँ बंद गोभी गोश्त तो चिकन मेकरोनी पास्ता बनाने की वजह यही है क्योंकि बंद गोभी गोश्त बच्चे जो है वो लाइक नहीं करते स्पेशली छोटे बच्चे क्योंकि उनको खाना समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ बना दी तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनको आ, उनको यानी उनकी फेवरेट कोई चीज़ ऐसी बना दी जाए ताकि उनका भी पेट भर जाए तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ये मैकरोनी बना दी जाए और जो है हम सब भी खा लेंगे और ये मेकरोनी शाम में भी खा लेंगे और ये सुबह स्कूल भी ले जाएंगे तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये आज बना दी जाए और इस वजह से मैं ये अपनी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अच्छा जी रेसिपी शेयर करने का मेरा मकसद ये होता है मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ मैं बहुत बड़ी शेफ नहीं हूँ मैं नॉर्मल से जो घर में खाने सब बनाते हैं मैं भी नॉर्मल से खाने बनाती हूँ लेकिन मेरा मकसद जो होता है ना आपको रेसिपी शेयर करने का वो ये होता है कि कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं जो नए फ्रेंड्स हैं मेरे या जो पुराने फ्रेंड मुझे देख रहे हैं शुरू से तो इसलिए मैं बनाती हूँ कि जो मेरे ब्लॉग पे आ रहे हैं तो उनको खाने का आइडिया हो कि आज खाने में क्या बनाएं तो जब वो मेरे ब्लॉग पर देखेंगे तो उनके घर में अगर ये काफ़ी टाइम से ये डिश नहीं बनी होगी तो वो ये मेरी ब्लॉग देख के और जो है अंदाज़ा लगा लेंगे कि आज चलो आज ये बनाते हैं खाने में अक्सर घरों में ये होता है कि जो है लोग सोचते रहते हैं शाम हो रहते सोचते सोचते कि आज क्या बनाएँ आज क्या बनाएँ आज क्या बनाएँ तो मेरा मकसद सिर्फ़ यही होता है रेसिपी डालने का कि जो है रेसिपी डालेंगे लोग मेरे ब्लॉग पर आएंगे तो जी उनको आइडिया होगा कि आज खाने में ये बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश है चलो हम भी ट्राई करते हैं और तो इस वजह से मैं ये बनाती हूँ और मैं ये जो है ना सॉरी अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोग से ना मैं भी अक्सर कभी किसी का व्लॉग देखती हूँ तो मुझे भी आइडिया होता है कि हाँ मुझे भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने व्लॉग में रेसिपी लाजमी शेयर करा करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या हमें बनाना चाहिए और जी अगर आपको जो है नहीं आती वो डिश तो आप मेरे व्लॉग से देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सी है और बगैर पैकेट के जो लोग बगैर पैकेट के बग़ैर बनाना चाहते हैं तो वो ईज़िली घर में बना लेंगे मेरी रेसिपी देख के तो जी ठीक हो गया मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कहीं आप सोचेंगे मैं रोज़ाना अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ क्या मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है मैं बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ मुझे तो बहुत सिंपल सी रेसिपी आती है जो मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ ठीक हो गया चले जी आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो मेरा टॉपिक है पेरेंट्स के लिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए वो क्यों है क्योंकि अक्सर मैंने पेरेंट्स को ये देखते हुए ये सुनते हुए देखा है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता हमारा बच्चा सोता नहीं है हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है हमारा बच्चा खेलता नहीं है यानी वो सारी गलतियाँ अपने बच्चे की बताते हैं ठीक है ना ज़ीरो टू सेवन ईयर बच्चों की मैं बात कर रही ठीक है तो उसमें क्या होता है बच्चों की गलती नहीं होती उसमें गलती होती है पेरेंट्स की माजरत मैं अपने आप को भी शामिल कर, कर रही हूँ उसमें जो टोटल गलती होती है ना वो पेरेंट्स की होती है बच्चों की नहीं होती इसलिए क्यों नहीं होती बच्चों की गलती क्योंकि बच्चा जो है ना वो एक एक तरीके से एक जैसे नया मोबाइल होता है नया कंप्यूटर होता है इस तरह से वो बच्चे के अंदर दिमाग में कुछ नहीं होता जो हम उसको बताएंगे जो हम इसको सिखाएंगे बच्चा वो फॉलो करेगा ठीक है हमारा क्या होता है हमारा बच्चा एक साल का होता है हम उसको उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि भाई खाना नहीं खा रहा मोबाइल देख के खा लेगा भाई सो नहीं रहा मोबाइल देख के पोयम देख के सो जाएगा कहीं जा रहे हैं बच्चा तंग करेगा उसको मोबाइल दे दिया कि वो रोए ना एटलीस्ट तो ये हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ बच्चा जो है वो आपसे अटैच होना चाहता है आपका प्यार चाहता है वो लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चों को मोबाइल से प्यार करवा रहे हैं कि बच्चा जो है वो हमें तंग ना करे बच्चा क्योंकि आता है हमारे पास हमें कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए हम कहते हैं क्या है क्यों तंग करो ये लो मोबाइल जाके इस वहाँ बैठे हमें तंग नहीं करो अक्सर मैंने माओ को ये देखा है उसमें मैं भी शामिल हूँ अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ मैं हम जो है बच्चे को खाना खिलाते हैं बच्चा हमारा खाना नहीं खाता हम क्या करते हैं ज़बरदस्ती खिलाने के लिए मोबाइल दिखा देते हैं हम जो है बच्चा जो भी काम नहीं करेगा ना हम उसको मोबाइल से उसको मनाएंगे और उसको मोबाइल दिखा के वो काम उससे करा देंगे लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए ये हम गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ हमें जो है बच्चों को अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए और वो जब भी सीखेंगे जब हम ख़ुद अच्छे होंगे यानी हमें वो काम करना है जो हमारे बच्चे काम करते हैं यानी अगर बच्चा सुबह उठ रहा है तो हमें भी उसी के साथ उठना है हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हमें भी उसके साथ पढ़ना है हमारा बच्चा खेल रहा है तो हमें भी उसके साथ पार्टिसिपेट करना है खेलना है उसके साथ हमारा बच्चा एक्टिविटी कर रहा है कोई ड्राइंग कर रहा है कोई रीडिंग कर रहा है कुछ भी कर रहा है एक्सरसाइज डैट हमें उसके साथ उसके साथ लगना है देखो काम तो ज़िंदगी के चलते रहेंगे कि हमें खाना पकाना है हमें ये देखना है हमें वो आ रहा है उस उसको देखना है ऐसा कुछ नहीं है आप काम को एक तरफ़ रख दो आपने प्रॉपर बच्चे की परवरिश करनी है तो आपने ये सब लाजमी करना है अपने काम को आप एक तरफ रख दे काम तो ज़िंदगी का रूटीन है ये तो चलेगा लेकिन उसके साथ आपने अपने बच्चे की रूटीन बनानी है और बच्चे की रूटीन जब ही बनेंगे जब आप अपनी रूटीन को चेंज करेंगे तो जी इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती हम जो है क्या करते हैं बच्चे को समझाते हैं अब नहीं करना अब मुझे शिकायत ना आए अब तुमने मैंने अभी समझाया था फिर से वो गलती कर थी देखिए बच्चा जो है ना वो उसका सेंस इतना काम नहीं करता ज़ीरो टू सेवन ईयर का बच्चा जो है उसको इतनी समझ नहीं होती उसको अगर पता होता झूठ सच जन्नत दो सब ये सब अगर उसको पता होता तो वो बच्चा थोड़ी खिलाएगा तो उसको उतना पता ही नहीं है हम जो है उस पर उसको जो है ना हम मनवाते हैं कि ये काम करना है तो मैं फर्स्ट आओगे तो तुम जो है तुम्हें ये चीज़ मिलेगी अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम घर में नहीं घुसना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तुम जो है उसको देखो उससे कुछ सीखो हम बच्चों को मिसालें देते हैं एक दूसरे के बच्चों की तो बच्चा जो है इससे वो आ, स्ट्रेस में आ जाएगा यानी वो जो जो बन भी रहा होगा ना वो उसकी दिल से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि मेरी माँ या मेरे बाप जो है मुझे हर वक्त नसीहत ही करते रहते हैं तो इस वजह से बच्चे को अगर अपने आप कॉन्फिडेंस बनाना है उसको चाहते हैं कि आप उसके अंदर टैलेंट हो वो देखिए फ़र्स्ट आना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चा फर्स्ट आ जाएगा रट्टा लगा के क्योंकि वो सोचेगा कि मेरी माँ मेरा बाबा जो है मुझे डांटेंगे तो मैं जो है ना फर्स्ट आ जाऊँ लेकिन बच्चा जो है वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा अभी वो फ़र्स्ट तो आ जाएगा लेकिन जब आप उससे पूछेंगे उस प्रीवियस सब कुछ पूछेंगे और अगर उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं है तो फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा बच्चे को दिमाग से पढ़ना चाहिए कि दिमाग उसका इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर उसे उससे दो साल पहले की बात पूछी जाए तो उसको आती हो कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है और उसको प्रॉपर आती हो तो ये होती है पढ़ाई पढ़ाई ये नहीं कि तुम्हें तो फ़र्स्ट आने लाजमी आना है अगर नहीं आए तो तुम्हारे जूते पड़ेंगे तो मैं ये पढ़ेंगे तुम घर में नहीं घुसना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तुम्हें अभी एक साल के लिए तुम कहीं नहीं जाओगे तो ये तो आप गलत कर रहे हैं ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि बच्चे को सात साल की उम्र तक नमाज़ उस पर फ़र्ज़ नहीं होते और हम उस पर क्या क्या जुल्म करते हैं आप सोच भी नहीं सकते नमाज़ के लिए आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा नमाज़ के लिए आदि बने तो नमाज़ के लिए आदि वो जब ही बनेगा तब आप नमाजी के आदि होंगे आप का बच्चा कैसे पढ़ेगा आप बोलेंगे जाओ जा नमाज़ पढ़ो उसको देखो वो बच्चा नमाज़ पढ़ता है तो वो बच्चे को देख के थोड़ी नमाज़ पढ़ेगा वो बच्चा आपको देख के नमाज़ पढ़ेगा क्योंकि जब वो देख रहा है शुरू से कि मेरी माँ उठ रही है सुबह या वो पाँच टाइम के पता नहीं क्यों वो अपने आप को वजू करती है और नमाज़ पढ़ती है छोटी बच्ची अब मैं छोटी बच्ची की बात करूँ दो साल की बच्ची तो वो हमें देख के या जिसके घर में जो भी बच्ची होगी वो आपको देख के वो भी वही करती होगी जो आप कर रहे हैं वो ऐसी चड्डी में जो भी वो कपड़े पहने हुए वो, वो खड़ी हो जाएगी कि मैं भी नमाज़ पढ़ रही हूँ अपनी माँ को देख के वो फॉलो करेगी मेरी भी बेटी है मुझे भी देख के वो फॉलो करती है लेकिन जब हम उसके सामने नहीं पढ़ेंगे तो हमें कहने का भी इसको हक नहीं है कि तुम नमाज़ पढ़ो जो हम करेंगे ना हमारा बच्चा वही करेगा वही सीखेगा जो हम करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे से मोबाइल को अलग करना है हमें कैसे करना है ये हम आपको सोचना है और मुझे सोचना है कि हमें अपने बच्चे से मोबाइल को कैसे अलग करना है और उसको उसकी रूटीन में कैसे लाना है देखिए अगर हमने ये अभी नहीं किया ना तो ये सेवन ईयर के बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सेवन ईयर के बाद बच्चे में जो है ना वो चीज़ सिलाहित हो जाती है उसको बोलना आ जाता है उसको यानी बोलने से मतलब बोलना तो उसको आ जाता है लेकिन वो लड़ेगा फिर आपसे उन ज़िद्द करेगा और फिर आपको पता है फिर जो है ना पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाते अपने बच्चों की ज़िद्द के आगे तो उससे बेहतर है अगर वो उस वक्त ज़िद करे उस ज़िद्द से बेहतर है आप अभी अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है ये थे मेरे जो है टॉपिक आज का कि ताकि आप लोगों को बता सकूं क्योंकि मैंने अक्सर माओं को यही देखा है कि बच्चे के पर वो जो है ना चीखती चिल्लाती हैं उनको यही नहीं पता होता है कि बच्चे की गलती है आखिर आपकी ग़लती है और फिर वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि पता नहीं किस पर चले गए तुम पता नहीं तुम्हारे आने से पहले घर में जो है सुकून था तो तुम माँ आ... तुम्हारे आने से घर का माहौल बर्बाद हो गया तो हम ऐसे ही कुछ वर्डिंग यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए ना तो हमें ये वर्डिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए हमारा बच्चा वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि मेरी माँ जो है हमेशा मुझे हर वक्त बुरा भला कहती तो आप प्लीज़ से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चे को जो है ना समझें उनको उनके साथ उनके साथ बैठें वो, उन, वो जो चाहते हैं उनके साथ वो खेलें पढ़ें उनके साथ तो जब भी आपका बच्चा जो है ना आपके कहने के मुताबिक चलेगा अगर वो आपने अभी नहीं करा कंट्रोल तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर आपका जो है आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो फिर मस्कबिल उसका बर्बाद ही होना है और कुछ नहीं होना तो मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट है माजरत के साथ आई थिंक आप लोगों को बुरा तो ज़रूर लगा होगा लेकिन ये जो है ना इंफॉर्मेशन इसीलिए मैंने आपको दी क्योंकि अक्सर ये घरों में है ये चीज़ ये मेरे में भी ये चीज़ है तो इसलिए हम मैंने यही सोचा कि मैं आप लोग से भी ये शेयर करूँ ताकि हम जो है अपने आप को चेंज करें क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है ना पहले के माहौल की तरह नहीं है आजकल जो माहौल है वो बहुत ही फ़ास्ट ट्रैक पर है तो हमें जो है ना अपने बच्चों को अपने मुताबिक लेकर चलना है अगर हमने उनको छोड़ दिया तो फिर वो जो है ना फिर अल्लाह ही उनका हाफिज़ होगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे या माहौल देख सकते हैं अपनी अपनी कंट्री का कि आप लोगों का हमारा माहौल जो है वो किस तरफ़ जा रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा है तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी शेयर की जाए ताकि आप लोगों को आ, जब आप ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप हो सकता है आप अपने बच्चों को इस चीज़ से रोकें तो जी ये थी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट तो जी अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ ब्लॉग जो है हमारा हमारा खाना जो है वो मैकरोनी रेडी हो चुकी है और मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है आप लोगों ने नोट कर ली होगी तो जी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है उससे आप जो है ना बुरा मत मानिएगा प्लीज़ तो जी और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जब देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स क्यों नहीं करते ये मेरे समझ में नहीं आता आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें कमेंट करके मुझे बताया करें कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो मेरी सही बनी है क्योंकि मेरा जो है ये नया चैनल है आप लोग को पता है नए जब लोग आते हैं ना तो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाते ये वर्क तो आप लोग ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये व्लॉग कैसा लगा हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में तो जी चलते हैं हमें इजाज़त दीजिए काफ़ी लंबा ये हमारा वीडियो बन गई है और काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है तो जी मुझे जो नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जो है अपना ढेर सारा प्यार दिएगा क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ आपके सब्सक्राइब आपके मैसेज आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी दिखा करें तो जी चलते हैं नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़ फिर अमान